कल नाइट में भाई पोखरा जाते वक्त हम लोग इसी होटल में रुके थे। कौन सा है? रेशमा होटल एंड लॉज। जगह का नाम है गलछी। अभी हम लोग निकल रहे हैं पोखरा के लिए। यहाँ से पोखरा लगभग 4-5 घंटे का रास्ता है, तो अभी निकल रहे हैं, पहुँचेंगे पोखरा, होटल लेंगे, फिर वहाँ से आज रात को साइट सीइंग, फिर कल घूमेंगे और फिर कल शाम को वहाँ से निकलेंगे। तो अभी ये 2 दिन का प्लान है अगला। तो चलो इस ब्लॉग में अभी आपको मैं, मतलब अभी जो ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ पोखरा हम लोग कैसे पहुँचे। बहुत साइट सीइंग रास्ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह मिलेंगे अभी देखने को। तो चलो फिर चलते हैं, पेट्रोल ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आगे मिले ना मिले, पेट्रोल वैसे है पर ले लेते हैं। सभी लोग रेडी हो चुके हैं। उंगलिंग पहुंचने वाले हैं भाई। ये जो रास्ता है ना, अभी बीच के कुछ जो पार्ट बनेंगे वो मस्त नज़ारे आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा। अभी तो इतनी बारिश नहीं, गर्मी का मौसम है, फिर भी अगर आपको नज़ारे देखने हो ना, बगल से त्रिशूली नदी गुजर रही है जो कि आगे जाके बूढ़ी गंडक बन जाती है, गजब का नज़ारा है, दिखाते हैं आपको एक बार आगे। देखो भाई, वहाँ अगर केबल कार से, अगर आपको मनोकामना मंदिर जाना है ऊपर, तो केबल कार चलती है ऊपर, जाओ यहाँ पे 880 आपको नेपाली रुपीज़ में लगेगा इंडियन को, तो जाके आराम से ऊपर एकदम भगवान का दर्शन भी कर सकते हो और इन्जॉय भी कर सकते हो। मौसम भी ठंडा होगा उधर। हो जाएगा मुस्तांग वाला फील, इधर ही आ जाएगा मुस्तांग लोग।
लोग जाता है यही फील लेने के लिए, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा पूरा कीचड़, पैर से इतना आधा दूर कीचड़। एक घंटा वेट करने के बाद आखिर खाना मिल गया आज का ब्रेकफास्ट, नेपाली थाली। और ये जो साग है देखो ये बोल रिवर बेड से जो मिलता है ना पत्ता, जिसे हम लोग जंगली समझ के तोड़ के बिक देते हैं, उसका साग है। सोचो चावल दाल सब्जी सलाद। हाँ ठीक है, डूबू यहाँ बैठो, मैं उधर बैठ के खाता हूँ, कटोरा मांग लेते हैं ना। चलो फिर खाते हैं भाई, आज तो पोखरा पोखरा ही रह गया। मैं शाम को गाइस हेलो कौन है इधर देख पर। हेलो गाइस, हाय गाइस, वेलकम। तो खाना वाना खाने के बाद अब निकल रहे हैं भाई, ये होटल वाले हम लोग से परेशान हो गए, एक तो ये खाना सही से नहीं खिलाए, ऊपर से पूरा कच्चा कच्चा था, ऊपर से करे बक 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 कर रहे हो आप लोग, पूरा परेशान हो गए ये लोग। काफ़ी गर्मी है, तो यहीं बच गया, आप पहुंचेंगे 4 बजे पोखरा। भाई पोखरा पहुंचे तो नहीं है अभी तक, शाम के 5 बजने वाले हैं, बट बट हालत ख़राब हो चुकी भाई, इतना धूल इतना गंदा रास्ता है भाई, अगले 1 से 1.5 साल तक ये रास्ते पे अगर आपको पोखरा आना है भाई आप मत सोचना, जब तक ये रास्ता नहीं बनेगा भाई, इतना तो कुहासा में भी नहीं होता है जितना ये यहाँ दिक्कत हो रहा है यार, दिख ही नहीं रहा कुछ, अगर आगे से कोई गाड़ी गुजर गया तो इतना धूल आता है कुछ दिखता ही नहीं है। और नेहा को और दीदी को था कि एक जो यहाँ का ब्रिज होता है ना, सस्पेंशन ब्रिज जो होता है, उस पर फोटो खींच क्लिक करवाना है, तो हम लोग 3-4 जगह कोशिश किए, नहीं हो पाया उसके ऊपर, पर यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं, अभी हम लोग तो अभी हम लोग फोटो क्लिक करेंगे। आइए तो एक गोलू बहुत बदमाश हो गया मेरा, बोल दो कैसे हो आप लोग, पूछ लो ना थोड़ा सा छवि से, पूछ लो ना, पूछ लो कैसे हो आप लोग, पूछ लो ना अपीज, पूछ लो ना। दिखाती हूँ तुमको। क्या दिखाओगे? मगरमच्छ। मगरमच्छ कहाँ है? मगरमच्छ पानी में, पानी में तुमको पानी में लेके जाएगी मगरमच्छ दिखाने पर, ये व्यू वाओ। चलिए कौन होगी बउआ? नहीं खाएगा, पापा नहीं खाने देंगे। बाप रे पानी देखो नीचे कितना पानी है, पानी है ना। चलो ना, चलो ना, चलो ना। नहीं डर लग रहा है? नहीं डर लग रहा है? पकड़ ना, डरना क्यों, जाओ ना इधर, जाओ ब्रिज है वो, सस्पेंशन ब्रिज, ऐसा कोई ब्रिज नहीं। यस ऐसा कोई ब्रिज नहीं, उसको कहे राम देखे ना, दूध पिला रहा कैसे ही वीडियो खुले एकदम पागल, तुम्हारा हाथ हो नहीं रहा उधर, आपको क्या पता, तो फाइनली हम लोग पोखरा पहुंच गए भाई, होटल होटल लेने के बाद अब इस एपिसोड को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत यार खतरनाक वाला रास्ता रहा आज का, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सबसे पहले भी तैयार वार होके मतलब थोड़ा सा मुंह पे पानी वानी मार के अभी हम चलते हैं पोखरा लेक की तरफ।